बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत मुश्किलों के बाद रोमी और मेरी शादी हो पाई है और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और हमने इस आउटफिट के बारे में जाना चाहिए, कितनी तकलीफ हो रही है ये बहुत ही हैवी लहंगा है, मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन वो शादी होने की खुशी इतनी ज़्यादा है कि ये भी झेल लें लेकिन हाँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बैठने उठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज्वेलरी भी प्लस ईयरिंग्स जैसा कान टूट जाएगा। तो वही हाल का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिखाएंगे ऑडियंस को। हाँ ये कलीरे हैं और ये चूड़ा है। अच्छा हमने एक्सपेक्ट किया था काफ़ी ड्रामा होगा इस शादी में, कोई आएगा ये शादी नहीं हो सकती टाइप्स, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो क्या अब होगा? हाँ ऐसा होने वाला था, मैं भी ये सोच रही थी कि जो मेरे भाई हैं अभिषेक वो आकर शादी में कुछ मना कर देंगे या फिर कोई ड्रामा होगा, ट्विस्ट एंड टर्न होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो मेरी हेल्प करने के लिए ही मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे ढूंढ रहे थे और फाइनली उन्होंने ही मेरा कन्यादान किया है और बहुत अच्छे से शादी शुरू हुई। अच्छा भाई आपकी जेठानी इशिता कुछ अपसेट थोड़ी सी लग रही थी, वो क्यों वैसे? नहीं अपसेट तो नहीं लग रही ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या विशेज दिए उन्होंने आपको? सब ने बहुत ही मुझे तैयार होने में मदद किया और शादी में मुझे बहुत ही अच्छे से शादी में मुझे बहुत अच्छे से लेकर आए। अभी शादी की शुरुआत हो चुकी है, बाकी सब आप अभी देखेंगे जो भी हमारे, जैसे कि संगीत सेरेमनी और मेहंदी की सेरेमनी जो हुई थी वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब शादी की शुरुआत है तो आई होप ये भी सब अच्छा होगा। और सारिका अप्पा कुछ कह रहे थे आपसे और साथ में सासू माँ ने भी कह दिया सारे मद्रासी मेरे ही घर में आने लिखे हुए हैं, क्या कहा? हाँ वो पंजाबी और मद्रासी की थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहती है। पापा मुझे देख रहे थे कि मैं इमोशनल हो गई हूँ, थोड़ा सैड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी कन्यादान के टाइम पे, तो वो मुझे यही बता रहे थे कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इमोशनल मैं हो रही थी तो उन्हें थोड़ा दुख हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि वो ही मेरे पापा मम्मी हैं सब, तो मुझे फैमिली है तो वही मैं दुखी ना हूँ। लास्टली सारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे सारी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपने जैसे मुझे प्यार दिया है हमेशा देते रहिए, ये है मोहब्बतें देखते रहिए, ये शो और भी ऑसम होने वाला है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच।